शराब के बीच में नहले पे नहला वाली चीज चल रही है, आप एक पासा फेंकते हैं तो वो दो फेंकते हैं, मतलब तो ये सिलसिला कैसे, और काफी एक के बाद एक खतरनाक पहलू हमें देखने मिल रहे हैं, तो उसके बाद में क्या बताएंगे? हाँ, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो चाहिए ही स्टोरी में। अब वेदिका ये इसको बंदे ही रहना चाहिए ऊपर, है ना? इसको वैसे भी मजा आ रहा था ऊपर बंदे रहने में। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे ये डोंट टच। तो सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? डोंट नो। पुनीश, और आपके बीच में एक के बाद एक पहलू देखने मिल रहा है, कभी आप कुछ करती हैं तो दूसरा वो कुछ करते हैं, तो उसके बाद हाँ, क्योंकि साहिल तो अब नहीं रहा है और वेदिका को पता भी है कि अभी नहीं है साहिल, क्योंकि भगवान ने उसको एक जो भी इशारा दे दिया है, तो अभी उसको सब खुद सामना करना है हर चीज़ का। यही सोचिए कि साहिल होता तो क्या करता, तो शायद वेदिका अगर पहले वाली होती तो वो जो हिजड़ों को बुलाना वगैरह वो सब शायद नहीं करती, पर अब वो साहिल के जैसा सोच रही है, और ये देखो साहिल का ही बेटा है। चलिए, आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स के बारे में क्या कुछ अगर एक स्नीक पिक देना चाहेंगे अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को, तो क्या रहेगा? ये तो बहुत सारा है, और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है ऑफ कोर्स, क्योंकि पुनीश ऐसे हारने वालों में से नहीं है, ना ही अभी वेदिका हारने वाली है, तो देखते जाइए आप क्या जाने से रात 10:30 बजे सी टीवी पर। थैंक यू सो मच।